दोस्तों, चूहे घर में आने वाले सबसे बड़ी परेशानी है, जो न केवल आपके खाने पीने को बर्बाद करते हैं बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी खतरे में डालते हैं। इन्हें भगाने के लिए आपको बाजार में मिलने वाले जहरीले और महंगे उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप अपने घर में ही मौजूद एक सामान से इन्हें आसानी से दूर कर सकते हैं। वह सामान है शैम्पू, जो आपको सिर्फ 2 रुपये में मिल जाएगा। आइए जानते हैं कि शैम्पू कैसे चूहों को भगाने में मदद करता है। शैम्पू का उपयोग करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे एक छोटा सा कपड़ा, एक कटोरी गेहूं का आटा, कपूर, लाल मिर्च पाउडर और एक पाउच शैम्पू। सबसे पहले आप एक कटोरी में गेहूं का आटा डालें और उसमें लाल मिर्च पाउडर मिलाएं, फिर उसमें शैम्पू का पाउच खोल कर डालें और अच्छी तरह से मिलाएं। आपका एक चिपचिपा घोल तैयार हो जाएगा। अब आप एक कपड़े को फैलाएं और उस पर इस घोल को ब्रश की मदद से लगाएं, लेकिन ध्यान रखें कि आप अपने हाथों में ग्लव्स पहन लें, क्योंकि लाल मिर्च और शैम्पू आपके हाथों को जला सकते हैं। फिर आप कपूर को तोड़कर उस कपड़े पर छिड़क दें, इससे आपका कपड़ा और भी गंददार हो जाएगा। अब आप इस कपड़े को उन जगहों पर रखें जहां चूहे आते जाते हैं, जैसे कि अलमारी के नीचे, किचन के कोने, बिल के पास आदि। जब चूहे इस कपड़े को देखेंगे तो वो उसे खाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें शैम्पू की खुशबू आकर्षित करेगी, लेकिन जैसे ही वो उसे मुंह में लेंगे तो उन्हें बहुत जलन और खांसी होगी, क्योंकि लाल मिर्च और कपूर उनके लिए जहर के समान है। इससे वो घबरा जाएंगे और आपके घर से दूर भाग जाएंगे। आपको बस यह ध्यान रखना है कि आप इस कपड़े को हर 2-3 दिन में बदलते रहें, ताकि उसकी गंध बनी रहे। इस तरह आप शैम्पू का उपयोग करके चूहों को अपने घर से निकाल सकते हैं। यह एक बहुत ही सस्ता और आसान उपाय है, जो आपको किसी भी तरह के नुकसान या साइड इफ़ेक्ट से बचाता है। तो आज ही इसे अपनाएं और अपने घर को चूहों से मुक्त करें। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।